और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर एल्विश यादव क्या इस बार वीकेंड के बार में नहीं नजर आएंगे। बड़ा मामला सामने आया निकलकर के एल्विश यादव के ऊपर जो है भाई जहरीले सांपों की तस्करी का आरोप लगा है, जिसमें उनके कुछ साथी भी हैं जिनके नाम सामने आए हैं। वेल आपको बता दें, बात यह भी है कि एफआईआर दर्ज कराई गई है नोएडा पुलिस के सेक्टर 49 के थाने में, जो है कुछ लोग कस्टडी में है, तो जिसके चलते ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि एल्विश यादव आपको इस बार इस वीकेंड के बारे में नहीं देखने को मिलेंगे। क्योंकि खबरें आ रही थी कल तक कि एल्विश यादव और मनीषा रानी आपको वीकेंड के बारे में मिलने वाले हैं, घर में बड़ा हंगामा करते नजर आएंगे, लेकिन अगर इस खबर में कितनी सच्चाई है जिसके चलते हो सकता है आपको एल्विश यादव बिग बॉस सीजन 17 में वीक 3 के वीकेंड के बारे में देखने को नहीं मिलेंगे। अगर देखने को मिलते हैं तो देखना इंटरेस्टिंग होगा भाई, फैंस के लिए बेहद दुखद खबर सामने आई है। अभी जो खबरें, अभी तो हर जगह एल्विश यादव का यही नाम सामने आ रहा है कि 5 कोबरा सांप का जहर बरामद हुआ है। एल्विश यादव का भी नाम जिसमें सामने आया है, पूरी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो कि जिसमें आपको बता दें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी कराई गई है, एक एफआईआर कॉपी भी सामने आई है जिसमें कुछ 5-6 नाम भी सामने आ रहे हैं। तो अब यही अंदाजा लगाया जा रहा है, जिसमें कुछ नाम जो है जिसमें राहुल है, टीटू नाथ है, जयकरण है, नारायण है, रवि नाथ है, जिनका नाम सामने आया है। तो अब ये देखना, आगे देखना होगा कि आखिरकार एल्विश यादव का नाम सही में सामने आया, क्योंकि अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, जहां पे नोएडा को लेकर कहीं पे एक पार्टी को लेकर काफी बड़े आरोप लगे हैं। वेल आपका इस पर क्या है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए।